तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। वेल गाइस, आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़े से टॉपिक्स चेंज करूं तो मैं ज़रूर उस चीज़ पर अमल करूंगा एंड टॉपिक्स भी चेंज करूंगा। क्या गाइस, हुंडई वेन्यू की मैं बात करूं तो ये जो गाड़ी है ये अपने सेगमेंट की एक गाड़ी अलग थी हुंडई की तरफ से, बिकॉज इससे पहले जो है मार्केट में वितारा ब्रेज़ा थी एंड और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी सब कॉम्पैक्ट अगर हम बात करें उन सेगमेंट्स में। बट हुंडई वेन्यू जब से आई इसने काफ़ी ज़्यादा हद तक मार्केट जो है चेंज कर दिया था। ये गाड़ी जो है क्रेटा के नीचे जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सबका स्पेस फिल कर देती थी। खैर गाइस, गाड़ी को लॉन्च हुए कई दिन हो चुके हैं, इनफैक्ट कई साल हो चुके हैं, गाड़ी में कोई मेजर चेंज अभी तक नहीं आया था। एंड फाइनली आप लोगों को पता होगा कि 2022 ऐसा क्रूशियल ईयर है जहाँ पे इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड वहीं पर हम लोग बाहर की ब्रांड्स की बात करें तो वो भी जो है इंडियन ब्रांड्स के इस चेंज से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे महिंद्रा की, तो महिंद्रा नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। महिंद्रा की खुद XUV 300 का जो है आप लोगों को फेसलिफ्ट देखने को मिल सकता है कुछ ही दिनों में। वहीं पे अब ये सब देखते हुए किया सोनेट जो है उसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है, तो हुंडई पीछे कैसे रहती, हुंडई ने भी बोल दिया कि हम जो है अपनी वेन्यू का फेसलिफ्ट लेके आएंगे। खैर गाइस, फेसलिफ्ट से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नो डाउट ये गाड़ी लुक्स में कितनी भी अच्छी हो या फीचर्स में आपको कुछ भी देती हो, बट इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सही मायने में एक सोडा टीन कैन जैसी है या टीन के डब्बे जैसे भी है। हाँ, आप लोग ये भी बोलोगे कि भाई तेरे को बोलने का कोई हक नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि तू खुद एक मारुति गाड़ी चलाता है। तो मैं एक इन जनरल जनहित में बात बता रहा हूँ, मानना ना मानना वो लोग आपके ऊपर है। गाड़ी जो है बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आने वाली, स्क्रीन पे भी आपको दिख रही होंगी कि कौन सी फीचर्स जो हैं इस गाड़ी में आपको देखने को मिलने वाले हैं। खैर गाइस, एक्सीडेंट में इस गाड़ी ने कभी भी अच्छा प्रूव नहीं करा है। हमेशा जो एक्सीडेंट में हमने देखा है कि गाड़ी जो है वो दो टुकड़े में टूट चुकी है या फिर डैमेज जो है बहुत ज़्यादा हुआ है गाड़ी में। तो इस गाड़ी का सुपर स्ट्रक्चर के बारे में जो कंपनी बताती है दैट्स टोटली नॉट ट्रू। खैर वो हम लोग देखेंगे नए आने वाले मॉडल्स में कि गाड़ी कितनी सेफ है कितनी नहीं है। सेफ्टी के ऊपर हमेशा से हुंडई जो है बहुत ही ज़्यादा जोर देती आई। खैर गाइस, अब हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट लीक्स की कि गाड़ी कैसी कुछ देखने वाली, तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि यहाँ से आपको जो स्क्रीन पर दिख रही होगी दिस इज द हुंडई वेन्यू, एंड अगर आप पीछे वाला पार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फॉक्सवैगन की कार जो है उनसे इंस्पायर्ड मिलेगा। मोस्ट ऑफ द कार्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो हैं अब इस डिज़ाइन को अडेप्ट कर रही हैं। बेसिकली पीछे का जो टेल लैंप होता है वो डिक्की में इंटीग्रेट हो जाता है एंड नो डाउट लुक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले ये हाई सेगमेंट प्रीमियम कार्स में आता था, बट अब जो नीचे वाली गाड़ियाँ हैं वो सब में आने लग चुका है। सेम गोज़ विद बलिनो, अगर आपने बलिनो की इमेज देखी होगी तो बलिनो में भी जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया, तो मे बी मारुति भी ये डिज़ाइन जो अडेप्ट कर सकती है आने वाले में। खैर गाइस, यहाँ पे चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा पूरा मतलब ऑलमोस्ट जो पीछे की डिक्की है वो चेंज कर दी गई है, टेल लैंप्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, नीचे का बम्पर है वो चेंज कर दिया गया है। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इनकेस अगर आप ऑलरेडी एक वेन्यू यूज़ कर रहे हैं तो फेसलिफ्ट में कुछ खास ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं, सेम चेसी सेम बॉडी पे होगा। तो आपको सिंपल अगर अपनी गाड़ी में चेंज करवाना है या आप चाहते हैं कि आप नया मॉडल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है आगे और पीछे के चेंजेस करवा लेंगे तो आपकी गाड़ी भी जो है फेसलिफ्ट बन जाएगी। तो देखो, इनकेस अगर अभी आप लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़े दिन रुक सकते हो। फ्रंट की अगर मैं बात बताऊँ, हुंडई क्रेटा जैसा जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड आपको मिलने वाला है। नो डाउट जो ग्रिल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कर दी गई है हुंडई यहाँ पे, भाई ऑडी की राह पे आ चुकी है क्योंकि ऑडी भी जो है वो अपनी ग्रिल धीरे धीरे दिन ब दिन बड़ी करते जा रहे हैं। तो सेम गोज विद हुंडई, हुंडई ने इस ग्रिल को इतना बड़ा कर दिया है कि ये गाड़ी जो है फ्रंट में अगर मस्कुलैरिटी की बात करें तो भाई ये जो गाड़ी है अपनी खुद की ही हुंडई की कंपनी क्रेटा जो है उसको टक्कर देने वाली है। तो नो डाउट लुक्स में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। अब मेरे भाइयों को जिनको डाउट होगा बिफोर आफ्टर में क्या क्या चेंजेस हैं तो मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ एक बार। सो गाइस, यहाँ पे आप देखोगे कि हम बैक में देखें तो हुंडई वेन्यू पिछली वाली थी और नई वाली थी, इसमें आप देखेंगे कि पीछे की जो डिक्की है उसमें लाइट दे दी गई है पूरी की पूरी एंड टेल लैंप्स हैं साइड से थोड़े छोटे कर दिए गए। हालांकि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि टेल लैम्प का साइज़ उतना ही रहेगा, बट क्योंकि डिक्की में जा रही है तो वो थोड़े से चौड़े कर दिए गए हैं। एंड वहीं पे अगर हम नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है क्लैडिंग्स में ज़्यादा कर दिया गया है। तो कुल मिला के जो गाड़ी है पीछे से भी मस्कुलर लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है नो डाउट, एंड बॉक्सी टाइप डिज़ाइन लग रहा है। इतने चेंजेस नहीं है, मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगेन ये एक सिर्फ फेसलिफ्ट है जिसमें कुछ खास ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे कुछ चेंजेस, रिफ्लेक्टर की जो प्लेसिंग है वो भी चेंज कर दी गई है। तो कुल मिला के जो आपको बम्पर चेंज करवाना पड़ेगा अपनी गाड़ी का एंड साथ ही साथ पीछे वाली डिक्की चेंज करवानी पड़ेगी। अब फ्रंट की तरफ चलते हैं, फ्रंट में बिफोर वर्सेज आफ्टर में क्या कुछ चेंज है।
तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ग्रिल जो है वो चेंज कर दी गई। आप ये देखेंगे कि लाइट की जो प्लेसिंग है एज इट इज़ वहीं की वहीं रखी गई है। नंबर प्लेट वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा पतला कर दिया गया है एंड ब्लैक पार्ट ज़्यादा यूज़ करा गया है, जिससे जो गाड़ी है वो और ज़्यादा मुश्किल और दिखे एंड और ज़्यादा भारी भरकम दिखे। बोनट भी आप लोग नोटिस करेंगे कि क्योंकि ग्रिल जो बड़ी कर दी गई है, मतलब है बोनट एकदम सेम, बट आपको लगेगा ऐसा कि बोनट जो है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया होगा क्योंकि ग्रिल का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा करा गया गाड़ी में। तो कुल मिला के फ्रंट से भाई आज सच कुछ डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ से आप लोग देख रहे हैं गाड़ी कितनी ऊँची लग रही है एंड मेरे से पूछा जाए तो मेरे को क्रेटा जैसी लग रही है कहीं ना कहीं, वेन्यू जैसे इसमें लुक छोड़े ही नहीं है। बट देन फिर ठीक है, फेस लिफ्ट अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको भी करवाना है तो सिंपल फ्रंट बम्पर चेंज करवाना रहेगा आपको, ग्रिल चेंज करवानी पड़ेगी। बोनट का एज ऑफ नाउ हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, मे बी शायद बोनट भी चेंज करवाना पड़ सकता है, बट हाँ ये चीज़ 100% पॉसिबल है कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसको आप लोग हुंडई वेन्यू की फेसलिफ्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऑरेंज की तरफ चलें तो यहाँ पे ऑरेंज भी जो है लीक हो चुका है फुल ब्रोशर में एंड इधर भी आप लोग देख सकते हो सेम वही जो आपने पुराना ब्लू वाला डिज़ाइन देखा होगा वैसे ही कुछ जो है ऑरेंज भी देखने को आपको मिल जाता है। एंड ये जो है भाई एक टीवीसी शूट के दौरान देखा गया है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे जो है 1.6 लीटर की बैजिंग मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है उसमें 1.6 लीटर का आप लोगों को इंजन देखने को मिलने वाला है। 1.6 बेसिक्स में टर्बो दिया जाएगा, जो डीजल वाला होगा वो रहेगा यहाँ पे। अच्छा, अब मैं कुछ आपको लुक्स की बात बता दूँ कि लुक्स क्या कुछ रहने वाले हैं गाड़ी में और इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको क्या कुछ देखने को मिलेगी। तो अभी देखो सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, 1.5 लीटर का जो इसमें डीजल इंजन सेम वही आएगा, सॉरी 1.5 लीटर का डीजल इंजन वही आपको देखने को मिलेगा एंड 1.2 लीटर का जो इसमें पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक 1.0 लीटर का जो है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, तीन इंजन ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 1.0 टर्बो मैंने पर्सनली खुद चलाया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चलाने में भी। 99 bhp की जो पावर है, 99 bhp 240 nm का टॉर्क मिलेगा आपको सबसे बेस वेरिएंट जो उसमें। उसके बाद हम लोग सेकंड वेरिएंट की बात करें तो 82 bhp 113 nm का टॉर्क मिलने वाला है एंड अगर हम सबसे पावरफुल जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसकी बात करें तो उसमें जो आपको 118 bhp की पावर 172 nm का टॉर्क देखने को मिलने वाला है। तो भैया डीजल अगर आप ले रहे हैं तो 99 bhp जो आपको मैनेज करना पड़ेगा 240 nm के टॉर्क पे, पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं तो 82 bhp पे 113 nm और सबसे पावरफुल इंजन आपको चाहिए तो यहाँ पे आपसे 118 bhp और 172 nm का टॉर्क आप टर्बो पेट्रोल में ले सकते हैं, उसकी माइलेज भी जो होगी वो कहीं ना कहीं ठीक होगी। प्राइसिंग की बात करें तो 40,000 रुपीज़ तक जो है एक्स्ट्रा प्राइसिंग आपको देने पड़ सकते हैं एंड अगर ये गाड़ी अक्टूबर के बाद आती है तो इसमें एक और आएगा कि इसमें जो है 6 एयरबैग्स शायद आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें 6 एयरबैग्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि भाई सारी गाड़ियों में कैसे 6 एयरबैग्स आने वाले हैं। गाइस, दिस वाज ऑल फॉर हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट 2022 एंड आई होप कि आपको गाड़ी जो है पसंद आई हो। कैमोफ्लेज इमेजेस भी थी मेरे पास बट देन अब जब कंफर्म हो ही चुकी हैं तो काहे कैमोफ्लेज इमेजेस या काहे कुछ दिखानी है। लॉन्च जो है बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है क्योंकि टीवीसी शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड वंस टीवी शूट कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है गाड़ी का लॉन्च जल्दी हो ही जाता है। खैर गाइस, आज की वीडियो में तो इतना ही था, उम्मीद करता हूं पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ऐसी वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। खैर, बाय बाय और धन्यवाद।